अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी? देखे सब ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल हैप्पी लाइफ व्लॉग चैनल। और सबसे पहले तो मैं अम्ब्रेला पकड़ूँ, मैं नीचे भूल गई थी। रात को हम लोगों ने रात को काफ़ी लेट नाइट टाइम तक जो है ना वो काम किया, लेट टाइम तक, ठीक है। तो ये देखिए, ये वाली शेप्स भी रेडी है। यहाँ पर दो तीन शेप्स बनने वाले थे, वो भी रेडी है, ये भी रेडी है, ये भी रेडी है, ये रह गया था। तो वो जो है ना, शाम हो गई थी तो मच्छर बहुत ज़्यादा था, इसलिए छोड़ दिया। ये भी मम्मा ने बना दी, ये बारिश ने बनाई है, ये भी थोड़ी सी बारिश ने और मैंने बनाई, बाकी वो सारी मैंने बनाई है। ये चंक्स मैंने निकाले हैं, ठीक है, और ये भी मैंने बनाई। अब मैंने सोचा था पहले जाके वीडियो बना लेती हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि इसको थोड़ा सा ड्राई हो लेने देते हैं, सेकेंड टाइम इसकी वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे। और छत जो है ना साफ़ सुथरी लग रही है। तो अच्छा जनाब, मूव साइट ऐसे MUSIGHT मूव साइट, इस तरह यूज़र आईडी है। और उसके अलावा शाजिया थाइम है, मिसेस थाइम नहीं, शाजिया थाइम है। तो हैप्पी बर्थडे टू यू, अल्लाह आपको खुश रखे, दोनों को अल्लाह आपके हक़ में बेहतर करे, और अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, और ये दिन आपकी ज़िंदगी में बार बार आए, आमीन सोमा आमीन। और उसके अलावा कल जो है ना जी जनाब, कल है 26 की रिक्वेस्ट आई है, दो बंदों की आई थिंक से रिक्वेस्ट आई है कि मेरी बर्थडे है, लेकिन एक ही बंदा हो सकता है, मुझे लगता है वो यूज़र आईडी है, नेम नहीं पता मुझे। तो आज जो है ना वो लास्ट में अपना नेम जो है ना मेंशन करके तो कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं कल आपके लिए भी जो है ना वो व्लॉग बना सकूँ, सही है। सो उसके अलावा हम करते हैं क्रमलिंग, मोबाइल को लगाते हैं ट्राईपॉड पर और फिर क्रमलिंग करते हैं। धूप जो है ना वो काफ़ी तेज़ है, तो वीडियो जो है ना वो बननी नहीं है, और वीडियो अगर बनती भी ना तो चारपाई नीचे, चारपाई जब मंगवाऊंगी ना तो फिर वीडियो बनेगी। ऊपर से ना अभी मस्जिदों में पढ़ाई हो रही है, तो ये भी काम होता है, मस्जिदों में जब पढ़ाई हो रही होती है ना फिर थोड़ा सा होता है। अच्छा, उसके अलावा मैंने आपको एक चीज़ बतानी थी कि इसको जो है ना मैंने रेडी अभी नहीं करना, ठीक है, अभी सिर्फ़ और सिर्फ इसको मेल्ट करके रखा है। इसका जो है ना वो लिक्विड सेपरेट करूँगी आज, ठीक है, वो प्रोसेस मैं ज़रूर रिकॉर्ड कर लूँगी, फिर उसके बाद उसको जरा शेप बना कर रख दूँगी, फिर जैसे ही हम लोग सीमेंट वगैरह मंगवाएंगे ना तो फिर हम जो है ना इसका ये भी काम जो है ना ख़त्म कर देंगे, ठीक है। अच्छा, प्योर मट से स्टार्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा यूँ कर दूँ, यहाँ पे ना थोड़ा सा डिफरेंस है, तो वो टेक्सचर ज़मीन पे जाएगा। ये हमने टेक्सचर यहाँ से उठा देना और इसको हमने दूसरी जगह शिफ्ट करना है। मोबाइल को स्टैंड पे लगा देती हूँ, फिर आप लोग कहते हो स्टैंड पे लगा लिया करो। दोनों हाथ वाली क्रमलिंग आप लोगों को ज़्यादा पसंद आती, रुखसाना इश्फाक, आई थिंक सो रुखसाना नेम है उनका, इश्फाक है कि नहीं ये नहीं पता, लेकिन वो कह रही है कि आपने, उन्होंने काफ़ी देर से कमेंट किया था तो आपका नेम लेना था, फ्रॉम इटली, थैंक यू सो मच, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, थैंक यू सो मच।
इनकी कोई रिक्वेस्ट नहीं थी, लेकिन जस्ट इनका कमेंट था जो मुझे अच्छा लगा और वो मैंने सेव करके रखा था और फिर मुझे टाइम नहीं था मिल रहा। तो थैंक यू सो मच रुखसाना, अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे। शेप्स मेकिंग के मैंने कुछ जो है ना वो दो के ही शूट किए, दो या दो के किए होंगे, ठीक है। एक मम्मा ने किया था अपने लिए और दो मैंने किए थे, वो भी वारिस ने शेप्स मेकिंग किए, ठीक है। तो मस्ट वॉच जब भी अपलोड करूँगी। अच्छा प्योर टेक्सचर बस करते हैं, क्योंकि फिर ये भी आती है गीला आता है कि प्योर टेक्सचर की क्रम्बलिंग करती रहती हो बस। तो इसको आप क्रम्बल करते हैं। अभी ये कल ही मामा ने इसकी स्लैब्स बनाई थी। ये थोड़ा डैम टेक्सचर है जो कि आप लोगों को पसंद है। यार अभी मैं ख्वाब में देख रही हूँ कि मैं ना खाना कहवा गई हूँ और वहाँ पे जो है ना माशाल्लाह से हम लोग वहाँ पे गए हैं, और उसके अलावा फिर मैं ख्वाब में देख रही हूँ कि हम लोग जहाज़ पे बैठ रहे हैं। फिर से ख्वाब थी मैं माशाल्लाह से फिर आ भी गए इतनी जल्दी। ये भी ख्वाब में देखा है कि हम लोग किसी ऐसे फंक्शन में गए हैं और मेरी जो भाभी है ना उसने बड़ा प्यारा ड्रेस पहना है, तो उसको जो है ना वो पूरा जो ऑल ओवर वहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ थी ना जो भी ड्रेस पहन के आई थी उन सब में से फर्स्ट नंबर पे जो है ना उसको रिवॉर्ड मिले। मेरी पुठिया खाबा। मुझे लगता है साथ वाले प्लॉट में ना वो मट्टी वगैरह बिखेर रहे हैं। अच्छा जनाब आप लोगों से एक बात शेयर करनी थी कि आप लोग जो है ना जल्दी से जाएं और मेरे टिकटॉक अकाउंट को फॉलो करें, ASMR5 के नेम से, ठीक है। और जल्दी से जाके वहाँ पे अपने अपने कमेंट्स किया करें ताकि आप लोगों के लिए जो है ना अच्छी अच्छी हम जब क्रम्बलिंग वीडियोस लगाएं तो आपका नेम भी मेंशन करें, ठीक है। काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट होती है ना, तो मैं वहाँ पे भी जो है ना आप लोगों की रिक्वेस्ट पूरी कर दूँगी। लेकिन जो है ना आप लोगों ने क्या उसको कहते हैं लड़ना नहीं है, ठीक है, बस अपना जो है ना आपने जाके मेंशन करना है ज़रूर वहाँ पर। मैं सोच रही हूँ इसको सारा ही क्रम्बल कर लूँ फिर शेप्स बनाऊँगी इसकी। स्मैशिंग की बड़ी रिक्वेस्ट आती है, स्मैशिंग भी इंशाल्लाह आप करेंगे, आप लोग परेशान ना हो, मैं स्मैशिंग भी करूँगी, ठीक है।
सही हो गया। और टैक्सी के पास चलते हैं, आप लोगों ने कहना है एक के भी ऊपर बैठ गई है। अब ये वाला पपट्टी ग्रे कंक्रीट, ये देखिए ना, मैंने इसको सेव करने के लिए जो है ना ऊपर नीचे रख दिया आराम से, ऊपर ऊपर करके रख दिया ताकि बारिश भी आए ना तो नीचे वाली शेप्स जो है ना वो गिली हो। और टेक्सचर भी सिमटा गया, नहीं तो इतना ज़्यादा टेक्सचर है पूरी जगह मल्ली होती है इसमें, मल्ली मीन्स घेरी होती है। ठीक है, एक शेप काफ़ी है। पहले तो मैं नीचे देखूं क्या हो रहा है। अच्छा, ज़रा ज़मीन को सही कर। ये देखिए, अब ये वाला जो टेक्सचर है ना जो हमने लास्ट टाइम भी क्रम्बल किया था, ये वो वाला, अब ड्राई है। अच्छा ड्राई हो गया, यस। छोटी शेप्स का ये फ़ायदा है। इधर आते हैं, ये मैंने ना जब बारिश आई एकदम से इतने काले बादल आए, मैंने चीज़ें समेट दी सारी। आप लोग कहते हो कि भाई बताओ आपके पास टेक्सचर कौन कौन सा है, तो मैं आपको बता ही देती हूँ। ये मेरे पास है जी ब्लैक कंक्रीट, ओ सॉरी ग्रे कंक्रीट है, ठीक है। और ये बहुत ग्रेनिश है, मतलब कि बारीक है। और अभी उससे पहले जो क्रम्बल किया था जो ग्रे कलर में था, वो हमारा जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब के बड़े स्टोन्स हैं उसके, ठीक है। वो कंक्रीट है, ये ग्रेनी है, वो कंक्रीट है, ठीक है। ये ले, ये वाला टेक्सचर हो गया। उससे पहले जो मैं दिखाया था, सबसे पहले हमने किया प्योर, बट मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो ज़मीन पे पड़ा हुआ है, ये हमारा पूरी छत से जो सफाई होती है ना, उसके बाद शिफ्टिंग करने के जो टेक्सचर निकलता है, ये वो है। ये प्योर मर्ड है, दो, फिर उसके बाद ग्रे डर्ट है, तीन, उसके बाद ब्लैक डर्ट भी है, चार, उसके बाद हमारे पास है जी ग्रे कंक्रीट, पाँच, ग्रेनी कंक्रीट, सिक्स, ब्राउन टेक्सचर, सेवन, जिम चौक, एट, ग्रीटी मर्ड, नाइन, उसके बाद ब्लैक सैंड, टेन, चारकोल ग्रीटी वाला टेक्सचर, इलेवन, फिर उसके बाद एक और टेक्सचर है, यानी ये दो में डिवाइड हो गए हैं, ठीक है। एक ब्लैक चारकोल ग्रीटी है और एक ब्लैक चारकोल है, ठीक है। तो हो गए हमारे 12 के 11, आई थिंक सो 12 हो गए हैं। उसके बाद हमारा ये ब्लैक एंड वाइट ग्रेनी टेक्सचर, ये हो गया 13, फिर उसके बाद ये स्टोनी सैंड सीमेंट टेक्सचर,